मैं सिर्फ दो शब्द कहूँगा एक पत्रकार होने के नाते, तो खासकर बहुजन समाज के लोगों को, कि अब वो वक्त आ गया है कि आपके पास सोशल मीडिया है। टेलीविज़न खड़ा करना, अखबार खड़ा करना उतना ही मुश्किल था बाबा साहब के ज़माने में भी, मान्यवर के ज़माने में भी, और आज भी मुश्किल है। 1000 करोड़ रुपये चाहिए टेलीविज़न चलाने के लिए, और उसके बाद उसको कंटिन्यू करने के लिए 500 करोड़ रुपये सालाना चाहिए, प्लस आपके आइडियोलॉजी के पत्रकार भी होने चाहिए जो आपके समाज से हो। तो हमारे समाज ने डॉक्टर, इंजीनियर, IAS सब बनाया है, राष्ट्रपति तक हैं, लेकिन पत्रकार बहुत कम हैं हम लोग। तो उसकी कमी सोशल मीडिया पूरी कर रही है। आप सब लोग पत्रकार हैं जिनके हाथ में स्मार्टफोन है और जो सोशल मीडिया से जुड़े हुए। एक लास्ट गुजारिश इसलिए मैं कर रहा हूँ कि मैंने टेलीविज़न में लगभग 8 साल काम किया, India TV, Zee News, ABP, Star News, तमाम जगहों पर। अगर आपका आपकी खबर जिस चैनल अखबार में नहीं है उसको बिल्कुल इग्नोर कीजिए, और अगर आप 250 रुपये का मंथली अखबार लेते हैं, 200 रुपये का आप TV रिचार्ज करवाते हैं जिसमें जय संतोषी माँ देखते हैं और सास बहू और साजिश, वो समझिए आपको बिगाड़ रही है, आपके बच्चों को बिगाड़ रही है। अगर आपको सही में न्यूज कंटेंट देखना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नेशनल दस्तक देखिए या दलित दस्तक देखिए, दुनिया भर की बाकी तमाम चीज़ें हैं, वेबसाइट्स हैं, अखबार हैं, जो जो इंटरनेट पर है, न्यूयॉर्क टाइम्स है, डेली मेल है, जो दूसरे देशों के जो वेबसाइट्स हैं वो आपको तवज्जो देते हैं, आपकी खबरें छापते हैं, और आपके देश में भी दर्जनों बहुजन वेबसाइट्स है जो आपसे सरोकार रखते हैं। तो बिल्कुल आप अपने, आप सब पत्रकार हैं और सोशल मीडिया को आप लोग अप्रिसिएट कीजिए, उससे जुड़िए, तभी आपका मीडिया मजबूत होगा, और जब आपकी मीडिया मजबूत होगी तभी आप मजबूत होंगे, क्योंकि मीडिया सारा खेल बना रहा है और बिगाड़ रहा है। और एक बात, जो आपकी मार पिटाई की खबरें दिखा रहा है चैनल, समझिए वो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि वो चाहता है कि आप घरों में डर के बैठ जाएं। हाँ, जो आपका प्रतिरोध दिखा रहा है, नागपुर में आप 10 लाख जुटते हैं नहीं दिखाता है, भीमा कोरेगांव में 10 लाख जुटे नहीं दिखाता है, आपकी पिटाई वो दिखाता है, वो चाहता है कि आपकी पिटाई दिखाई जाए ताकि आप घरों से प्रोटेस्ट के लिए न निकले। इसलिए जो मीडिया आपकी पिटाई दिखाए, आपका विरोध न दिखाए, आपका ऐसा प्रोग्राम न दिखाए, उसको बिल्कुल आप ही अवॉइड कीजिए। थैंक्स, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है और मुझे लगता है कि मैं गलत भी हो सकता हूँ।